Hello everyone, I am Professor M. G. Tate, welcomes you all in the 26th lecture of Industrial AC Machine System. So my dear students, we have discussed about the types of armature winding in the last lecture. Okay? So there are four types of the armature winding in an alternator. First one is the single layer and double layer winding. Second one is the lap and wave winding. Third one is the concentric and distributed winding. And fourth one is the full pitch wind, fractional pitch or short pitch wind. Okay? So already we have discussed these types of windings in the last lecture, right? So here this is the single layer winding, right? So one coil side occupies the total slot area, and this single layer winding is used in the small AC. So this is the double layer winding. यहाँ पे दिख रहा है आपको. तो कॉइल साइड इज इन टू लेयर. यहाँ पे जो कॉइल साइड है वो दो लेयर में होते हैं. तो दिस डबल लेयर वाइंडिंग इज मोर कॉमन, विच इज कॉमनली यूज अबाउ अबाउट 5 किलोवाट मशीन. 5 किलोवाट 5 किलोवाट की मशीन जो होते हैं उससे ज्यादा रेटिंग के लिए हम ये डबल लेयर वाइंडिंग वहां पे यूज करते हैं. ठीक है, तो ये एक डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी लास्ट लेक्चर में. ये है सिंगल लेयर वाइंडिंग, ठीक है, और ये है आपकी डबल लेयर. यहाँ पे दो कॉइल साइड है, एक स्लॉट में, एक के ऊपर एक, और यहाँ पे एक ही कॉइल साइड है आपके एक स्लॉट. तो इसको बोलते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग, इसको बोलते हैं डबल लेयर. ये है आपकी मल्टी टर्न सिंगल लेयर वाइंडिंग और ये है आपकी मल्टी टर्न डबल लेयर वाइंडिंग. ठीक है, इसके कुछ मेरिट्स देखे थे हमने लास्ट लेक्चर में. सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या होती है, वेरी सुटेबल फॉर स्मॉल साइज मशीन्स, देन इजी टू रिपेयर, लोअर हार्मोनिक्स, लो नॉइज, हायर स्लॉट स्पेस फैक्टर, देन हायर इफिशियंसी. ये मेरिट्स है आपके सिंगल लेयर वाइंडिंग के. ठीक है, डबल लेयर वाइंडिंग के मेरिट्स हमने बोले थे हाईली सुटेबल फॉर मीडियम एंड लार्ज कैपेसिटी मशीन, बेटर ईएमएफ प्योर फॉर्म, देन लेंथ ऑफ द एंड कनेक्शंस लेस ड्यू टू शॉर्ट पिच, हेंस सेविंग इन द कॉपर, एंड लास्ट ऑल कॉइल्स आर आइडेंटिकल, हेंस फ्यूअर डिफिकल्टीज एंड टूल्स फॉर द वाइंडिंग. ये मेरिट्स हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. ठीक, सो नाउ विल सी द डिफरेंस बिटवीन सिंगल लेयर एंड डबल लेयर आर्मेचर वाइंडिंग रिलेटेड टू द अल्टरनेटर, राइट. ये क्वेश्चन आपके मेरे एग्जाम में पूछा गया है 4 मार्क के लिए, डिफरेंस बिटवीन सिंगल लेयर एंड डबल लेयर. तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सिंगल लेयर वाइंडिंग में वन कॉइल साइड ऑक्यूपाइज द होल स्लॉट. ये ऑलरेडी डेफिनेशन हमने बोली है सिंगल लेयर वाइंडिंग की. यहाँ पे डबल लेयर वाइंडिंग किसको बोलते हैं, टू कॉइल साइड्स ऑक्यूपाइंग द होल स्लॉट. ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस है नंबर ऑफ कॉइल्स इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ स्लॉट्स. जो नंबर ऑफ कॉइल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं हाफ द नंबर ऑफ स्लॉट्स में स्लॉट से, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल्स इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ स्लॉट्स. देन थर्ड डिफरेंस आए यूज फॉर स्मॉल एसी मशीन ओनली. ये फक्त स्मॉल एसी मशीन साठी यूज होते सिंगल लेयर वाइंडिंग, दैट इज बिलो फ्यू किलो वैट, दैट इज बिलो 4 किलो वैट पर्यंत अपन ही सिंगल लेयर वाइंडिंग यूज करतो. एंड यूज फॉर मीडियम एंड लार्ज मशीन दैट इज अबाउ 5 किलो वैट ऑनवर्ड्स. ठीक है, देन फोर्थ डिफरेंस है लो नॉइज ऑपरेशन एज नैरो स्लॉट ओपनिंग. ऐसा लो नॉइज ऑपरेशन असतं कारण तिथं नैरो स्लॉट ओपनिंग असते, एंड हियर नॉइजर ऑपरेशन ड्यू टू द लार्जर स्लॉट ओपनिंग. लार्जर स्लॉट ओपनिंग असल्यामुळे तिथलं ऑपरेशन हे नॉइजर असतं. ठीक आहे, जे आवाज जास्त इथं निर्माण होतो डबल लेअर वाइंडिंग मध्ये, इथं आवाज कमी निर्माण होतो. ठीक आहे, देन फिफ्थ डिफरन्स आहे आपका हायर इफिशियन्सी ड्यू टू नॅरो स्लॉट ओपनिंग. हायर इफिशियन्सी मिळती आहे, यहाँ पे लोअर इफिशियन्सी मिळती आहे क्योंकि लार्जर स्लॉट ओपनिंग है. देन हायर स्पेस फैक्टर ड्यू टू अब्सेंस ऑफ इंटर लेयर सेपरेट. हायर स्पेस फैक्टर होता है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो इंटर लेयर सेपरेटर्स है वो ऑब्सेंट होते हैं, और यहाँ पे लोअर स्पेस फैक्टर होता है. लोअर स्पेस फैक्टर होता है क्योंकि यहाँ पे इनर लेयर सेपरेटर्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट सेवन डिफरेंस है रिक्वायर्स लार्ज स्पेस फॉर एंड कनेक्शन. यहाँ पे डबल लेयर में रिक्वायर्स लोअर स्पेस फॉर द एंड कनेक्शन. देन शॉर्ट पिचिंग इज लेस एडवांटेज. शॉर्ट पिचिंग लेस एडवांटेज है इसका, और यहाँ पे शॉर्ट पिचिंग इज मोर एडवांटेजियस एज द एंड कनेक्शंस रिक्वायर लेस कॉपर. ठीक है, शॉर्ट पिचिंग इथं हे एक लेस एडवांटेज आहे, आणि शॉर्ट पिचिंग हा
मोर ॲडव्हान्टेजेस असतो इथं डबल लेअर वायरिंगमध्ये, कारण एन कनेक्शन्स हे कमी लागतात, त्यामुळे कॉपर सेव होतं आपल्याला. देन नेक्स्ट डिफरन्स आहे, EMF वेवफॉर्म इज नॉट ॲज गुड ॲज द डबल लेअर वायरिंग. EMF वेवफॉर्म हा डबल लेअर वायरिंग पेक्षा आपल्याला जास्त चांगला मिळत नाही, इथं EMF वेवफॉर्म हा चांगला मिळतो आपल्याला सिंगल लेअर वायरिंग. देन नेक्स्ट डिफरन्स आहे, इझी टू रिपेअर ड्यू टू सिंगल लेअर. सिंगल लेअर असल्यामुळे इझी आहे रिपेअर करण्यासाठी. इथं टू कॉइल साईज आहेत एका स्लॉट मध्ये, त्यामुळे हे डिफिकल्ट आहे रिपेअर करण्यासाठी. नेक्स्ट डिफरन्स आहे लोअर नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, याच्यामध्ये लोअर नंबर ऑफ हार्मोनिक्स असतात, हिअर मोर हार्मोनिक्स आर देअर. ठीक आहे, असे डिफरन्सेस तुम्ही 4 मार्कासाठी लिहू शकता, सिंगल लेअर आणि डबल लेअर वाली. क्लिअर आहे. देन हमने देखा था फुल पिच एंड शॉर्ट पिच, जो सेकंड टाइप है वाइंडिंग का वो है फुल पिच एंड शॉर्ट पिच वाइंडिंग. इसका भी डेफिनेशन हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में देखा. ठीक है, तो फुल पिच वाइंडिंग किसको बोलते हैं, ये द कॉइल स्पैन इज इक्वल टू फुल पिच, देन द वाइंडिंग इज कॉल्ड एज फुल पिच. ये यहाँ पे फुल पिच रहेगी वाइंडिंग. ठीक है, ये स्लॉट नंबर 1 में है कनेक्टेड, और यहाँ पे स्लॉट नंबर n प्लस 1 में है. तो ये एंगल होगा आपका 180 डिग्री इलेक्ट्रिक, यानी फुल पिच रहेगा ये. ठीक है, तो यहाँ पे कॉइल स्पैन और पोल पिच इक्वल रहेंगे. और यहाँ पे शॉर्ट पिच में क्या होता है कि कॉइल स्पैन इज लेस देन पोल पिच होता है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट पिच. तो टोटल एंगल रहेगा आपका 180 यहाँ स्लॉट नंबर 1 से यहाँ तक, स्लॉट नंबर n प्लस 1 तक. लेकिन यहाँ पे अल्फा डिग्री से ये शॉर्ट पिच है कॉइल, तो उसकी वजह से यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा आपका 180 माइनस अल्फा डिग्री इलेक्ट्रिक. क्लियर, तो यह है कॉइल स्पैन यहाँ पे 180 से कितना है लेस देन, समझ में आए. तो ये है आपका शॉर्ट पिच एंड फुल पिच वाइंडिंग. तो यहाँ पे दो डायग्राम है, मल्टी टर्न फुल पिच कॉइल और मल्टी टर्न शॉर्ट पिच कॉइल. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो कॉइल साइड है ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है 3 स्लॉट्स में. यहाँ पे दिख रहा है 2 ही स्लॉट्स में कनेक्टेड है. यहाँ पे शॉर्ट पिच है 1 स्लॉट से ये कॉइल साइड, तो ये आपकी मल्टी टर्न शॉर्ट पिच कॉइल है. इसके कुछ एडवांटेजेस भी हमने लास्ट लेक्चर में देखे हैं ऑलरेडी. ठीक है, ये है आपकी सिंगल फेज एंड पॉलीफेज आर्मेचर वाइंडिंग. ये है लैप वाइंडिंग का डायग्राम आपका. ठीक है, देन ये है आपकी वेव वाइंडिंग, और ये है आपकी कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग. Now in today's lecture we are going to discuss about the pitch factor or coil span factor. So here how we'll define pitch factor or coil span factor, the ratio of vector sum of induced EMFs per coil and the arithmetic sum of induced EMF per coil is called as pitch factor. Kiska ratio hai ye pitch factor? Pitch factor ye ratio hai kiska, vector sum of induced EMF per coil and the arithmetic sum of induced EMF per coil. ये दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो उस फैक्टर को बोलते हैं पिच फैक्टर, एंड विच इज डिनोटेड बाय केपी, ए पी, पी फॉर पिच एंड के इज द फैक्टर. तो केपी इज द सिंबल फॉर द पिच फैक्टर, आणि म्हणून केपी और केसी कॉइल स्पॅन फॅक्टर साठी केसी घ्यायचा सिंबल आणि पिच फॅक्टर साठी केपी, दोन्ही कंपनी एकच. ठीक आहे, दोन्ही नाव एकच आहे. ठीक आहे, म्हणून याचे डेफिनेशन नुसार आपण फॉर्म्युला काय लिहू शकतो, व्ही एस. व्ही एस म्हणजे वेक्टर सम ऑफ इंड्यूसिंग एमएफ पर कॉइल डिवाइडेड बाय अरिथमॅटिक सम ऑफ इंड्यूसिंग एमएफ पर कॉइल ए एस. ठीक आहे, इथं दिलेलं आहे व्ही एस इज द वेक्टर सम ऑफ इंड्यूसिंग एमएफ पर कॉइल अँड ए एस इज द अरिथमॅटिक सम ऑफ इंड्यूसिंग एमएफ पर कॉइल. सो दिस फॅक्टर इज ऑलवेज लेस दॅन युनिटी. हे जो फॅक्टर होता है पिच फॅक्टर आपका, ऑलवेज लेस दॅन युनिटी होता है. ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम दिख रही है आपको, ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, और इसका ई एस इज यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ रहेगा एक कॉइल साइड का, और ये दूसरे कॉइल साइड का इंड्यूस ईएमएफ रहेगा. यहाँ का एंगल होगा आपका 5/2, तो ये एंगल 5/2 होने की वजह से ये भी एंगल आपका 5/2 रहेगा. ठीक है, तो इसको पिच फैक्टर को हमें अभी डिराइव करना है, कितना पिच फैक्टर आता है. सो लेट ई एस बी दी इंड्यूस ईएमएफ इन ईच कॉइल साइड, ईच साइड ऑफ द कॉइल. ठीक है, ईएस म्हणजे काय, इंड्यूस ईएमएफ आहे प्रत्येक कॉइल साइड मधलं, कॉइलच्या प्रत्येक साइड मधलं जे इंड्यूस ईएमएफ आहे ते आहे आपलं ईएस. देन इफ द कॉइल वेअर फुल पिच, जर आपली कॉइल फुल पिच असेल, देन दॅट इज इफ इट्स टू साइड्स वेअर वन पोल पिच अ पार्ट,
जे त्याच्या ज्या दोन कॉइल साइड्स असतील त्या 1/4 ची चपाट असतील, देन द टोटल इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल. टोटल इंड्यूस ईएमएफ चा फॉर्म्युला काय लिहिता येईल आपल्याला, दोन कॉइल साइड्स आहेत एका कॉइल मध्ये, त्यामुळे ई इज इक्वल टू ई एस प्लस ई एस. ठीक आहे, ई इज इक्वल टू ही एका कॉइल साइडचा इंड्यूस ईएमएफ आहे आणि हे दुसऱ्या कॉइल साइडचं आहे इंड्यूस ईएमएफ. त्यामुळे टोटल इंड्यूस ईएमएफ किती असेल आपलं, ई इज इक्वल टू ई एस प्लस ई एस यानी टू ई एस. ठीक आहे, ये रहेगा फुल पिच के लिए इक्वेशन. ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ इन ईच साइड ऑफ द कॉइल. ठीक है, ये टोटल इंड्यूस ईएमएफ रहेगा लेकिन फुल पिच कॉइल के लिए. अभी शॉर्ट पिच के लिए कैसे लिखेंगे इक्वेशन, सो इट इज इफ इट इज शॉर्ट पिच कॉइल देन ये शॉर्ट पिच कॉइल है सपोज फाइव एंगल से, देन द वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज वीएस. वेक्टर सम रहेगी आपके यहाँ पे वीएस. ठीक है, तो वी एस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, वी एस कॉस ऑफ फाइव बाई टू. यहाँ पे दिख रहा है आपका एंगल कितना है अपना फाइव बाई टू, तो ई एस कॉस ऑफ फाइव बाई टू प्लस ई एस कॉस ऑफ फाइव बाई टू, यानी कितना हो गया ये टू ई एस कॉस ऑफ फाइव बाई टू. ये हो गया आपकी वेक्टर सम, और ये यहाँ पे लिया है हमने अरिथमेटिक. तो पिच फैक्टर का डेफिनेशन क्या है अपना, पिच फैक्टर इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस ईएमएफ पर कॉइल डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक सम ऑफ इंड्यूस ईएमएफ पर कॉइल. तो ये दोनों का रेशियो लेंगे अपन, तो टू ई एस कॉस ऑफ फाइव बाई टू डिवाइडेड बाय टू ई एस, तो ये कितना मिलेगा अपने को, यहाँ पे टू टू कैंसिल हो जाएगा, ई एस कैंसिल हो जाएगा, तो पिच फैक्टर कितना मिलेगा अपने को कॉस ऑफ फाइव बाई टू. ठीक है, तो ये सिंपल डेरिवेशन आया पिच फैक्टर का, पिच फैक्टर और कॉइल स्पैन फैक्टर इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाइव बाई टू. क्लियर है, समझना सके ना. देन नेक्स्ट फैक्टर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. ये दोनों फैक्टर अतिशय महत्वाचे आहेत, कारण याच्यावर हे दोन्ही फॅक्टर जर समजले तर तुम्हाला ईएमएफ इक्वेशन समजणार आहे अल्टरनेटरचं. त्यामुळे हे दोन्ही फॅक्टर तेवढेच महत्वाचे. दुसरा फॅक्टर आहे आपला डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टर. आता जशी आपण डेफिनेशन पिच फॅक्टरची सांगितली तशी डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टरची सुद्धा सांगतो आपल्याला डेफिनेशन. सो द रेशियो ऑफ वेक्टर सम ऑफ कॉइल्स ईएमएफ अँड द अरिथमेटिक सम ऑफ कॉइल्स ईएमएफ इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टर, विच इज डिनोटेड बाय केडी. केडी ने डिनोट करतो आपण डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टर, आणि ही सुद्धा वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डिवायडेड बाय अरिथमेटिक सम ऑफ कॉइल्स ईएमएफ हाच रेशो घ्यायचा आपल्याला इथं सुद्धा. ठीक आहे, किंवा मग तुम्ही असं पण सांगू शकता वेक्टर सम ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड वाइंडिंग डिवायडेड बाय वेक्टर सम अरिथमेटिक सम ऑफ डिस्ट्रीब्युटेड वाइंडिंग. ठीक आहे, समझ में ये डेफिनेशन आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की. नाउ केडी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, वी एस डी ई यानी वेक्टर सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ईएमएफ डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ईएमएफ. ठीक है, ये दोनों का रेशियो लेना है, वेक्टर सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ईएमएफ डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ईएमएफ, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. यहाँ पे एक डायग्राम दिख रही है फिर से आपको. ठीक है, ये ई एस है आपका, यहाँ पे एंगल फाई रहेगा, ये फिर से ई एस रहेगा आपका, यहाँ पे एंगल फाई रहेगा आपका, फिर से ये ई एस रहेगा, यहाँ पे एंगल फाई रहेगा और ये ई एस रहेगा. ठीक है, तो इसको हमें डिराइव करना है. सो लेट फाई बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द स्लॉप. फाई आपकी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे दिख रही है आपको, ये फाई है यहाँ पे, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन द स्लॉट्स की, एंड इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, फाइव इज इक्वल टू 180 बाई एन, एन यानी पोल पिच रहेगा, और पोल पिच के डेफिनेशन ऑलरेडी देखी हमने, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, उसको बोलते हैं पोल पिच. सो फाइव का फॉर्मूला लेना है 180 डिवाइडेड बाय एन. नाउ लेट एम इज द नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल फोर पर फेज. नंबर ऑफ एम क्या है आपका, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर होल पर फेज एम की वैल्यू है, एंड एम फाई इज द फेज स्प्रेड एंगल, एम फाई है आपका फेज स्प्रेड एंगल. देन द वोल्टेज इंड्यूस इन वन पोलर ग्रुप, एक पोलर ग्रुप में जितना ये इंड्यूस ईएमएफ वहां पे होता है. ठीक है, ये ई एस है, ये ई एस है आपका, ये ई एस है और ये ई एस, ये पूरे पोलर ग्रुप में इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, वोल्टेज कितना इंड्यूस होता है, वोल्टेज इंड्यूस इन वन पोलर ग्रुप इज इक्वल टू एम इन टू ई एस. एम क्या है आपका, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज है, और यहाँ पे ई एस आपका इंड्यूस ईएमएफ है हर एक कॉइल साइड.
ठीक है। नाउ तो दी वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एम एफ, द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, ई एस इन टू साइन ऑफ यंग फाइ बाय टू, ई एस इज इक्वल सॉरी ई एस इन टू साइन ऑफ यंग फाइ बाय टू, ये रहेगी आपकी वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस ई एम एफ, और ये रहेगी आपकी अरिथमेटिक सम ऑफ इंड्यूस ई एम एफ, दैट इज यंग इन टू साइन ऑफ फाइ बाय टू। ठीक है, वेक्टर सम क्या लेनी है, ई एस इन टू साइन ऑफ यंग फाइ बाय टू, और अरिथमेटिक सम क्या लेनी है, यम इन टू साइन ऑफ फाइ बाय टू। ये दोनों इक्वेशन आपको बहुत बार कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो वेक्टर सम क्या ली है, ई एस इन टू साइन ऑफ, ये यम जो है यानी नंबर ऑफ स्टार्स पर पोल पर फेज, ये ब्रैकेट में लिया है, यम फाइ बाय टू लिया है, और यहाँ पे दिख रहा है आपको ये यम बाहर लिया है, इन टू साइन ऑफ सिर्फ ब्रैकेट में यम फाइव बाय टू लिया है, तो ये अरिथमेटिक सम, और ये वेक्टर सम। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे डिफाइन किया था अपन ने, वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस ई एम एफ डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक सम ऑफ इंड्यूस ई एम एफ, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन देखा है हमने ऑलरेडी, वेक्टर सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ई एम एफ डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ई एम एफ। तो वेक्टर सम क्या है अपना, ई इंटू साइन ऑफ यंग फाइव बाय टू डिवाइडेड बाय, नीचे अरिथमेटिक सम लिया है, सो यम इंटू साइन ऑफ फाइव बाय टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, साइन ऑफ यम फाइव बाय टू डिवाइडेड बाय यम साइन ऑफ फाइव बाय टू, इक्वेशन मिलेगा अपने को यहाँ पे, ठीक है। साइन ऑफ यम फाइव बाय टू डिवाइडेड बाय यम साइन ऑफ फाइव बाय टू, ठीक है। तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला, क्लियर है, कुछ डाउट है इसमें, ठीक है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का डेरिवेशन, क्लियर है। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछते हैं मेन एग्जाम में, डिराइव दी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर एन अल्टरनेटर, डिराइव दी इक्वेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर, या फिर आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, डिफाइन दी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड पिच फैक्टर, जो हमने पहला फैक्टर देखा था पिच फैक्टर और कॉइल्स फैक्टर, ये दोनों के डेफिनेशन आपके मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया है इक्वेशन, तो आप सिंपली ऐसे भी उसको डिराइव कर सकते हैं, ये उसकी सेकंड मेथड है, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है आपको, इधर सर्कल मध्य हा वो पॉइंट है, ठीक है, इथून ए पॉइंट है, यहाँ हा बी पॉइंट है, हा सी पॉइंट है, आणि हा डी पॉइंट है, ठीक है। आता इथून आपण हे एक ओ ए कनेक्ट केलेला आहे, ओ बी आणि ओ सी आणि ओ डी हे कनेक्ट केलेले आहेत आपण, ठीक है। आणि यामधला जो अँगल आहे आपला हा आहे अँगल बीटा आपला, ठीक है। आणि याला जर आपण डिवाइड केलं तर हा अँगल असेल आपला बीटा बाय टू, हा अँगल असेल आपला बीटा बाय टू, ठीक है। प्रत्येक याच्यामधला अँगल हा बीटाच असणार आहे बघा, ठीक आहे। जसा ए आणि बी मधला अँगल बीटा आहे, तसाच डी आणि सी मधला अँगल बीटा असणार आहे, आणि सी आणि डी मधला अँगल सुद्धा बीटाच असणार आहे। और यहाँ पे आपने अगर इसको डिवाइड किया इस अँगल को, टोटल अँगल बीटा है, तो ये एक्स जो दिखाए यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ से अँगल कितना बन जाएगा, ये आपका ए एक्स में था बीटा बाय टू, और ये भी एंगल एक्स बी का कितना होगा, बीटा बाय टू, ठीक है। और यहाँ से ए से डी अगर पॉइंट ज्वाइन करोगे आप, तो वो हो रही है कि आपको वेक्टर सम मिलेगी वहां पे, और यहाँ पे जो एंगल है टोटल एंगल देखो, अभी ये हर एक एंगल कितना है बीटा, तो ये टोटल एंगल यहाँ से ए से डी तक कितना रहेगा आपका, यम बीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल डिवाइड किया है, अभी देखो यहाँ पे इंड्यूस ई एम एफ ई वन है, यहाँ पे ई टू है, यहाँ पे ई थ्री है, तो ये जो एंगल है आपका, ये डॉटेड ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है ये एंगल, ये रहेगा आपका यम बीटा बाय टू, और ये सर्कल की आपकी रेडियस होगी, ठीक है। ये एंगल कितना रहेगा आपका, यम बीटा बाय टू, और ये एंगल रहेगा आपका यम बीटा, क्लियर है। ये ऐसे ही डायग्राम है, और यहाँ से भी आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो उसका डेफिनेशन क्या बोला हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का, वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस ई एम एफ डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक सम ऑफ इंड्यूस ई एम एफ। अरिथमेटिक सम लिया अगर यहाँ पे हमने, तो इतने यहाँ पे कितने हैं देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये एडिशन अरिथमेटिक सम लिया हमने यहाँ पे, समझ लो
एबी की साइड है प्लस बीसी आणि प्लस सीबी या तिन्ही साइडची आपण अरिथमेटिक सम घेतली. आता व्हेक्टर डायग्राम वरून काय सांगते आपल्याला, एबी इज इक्वल टू ए बी, ही साइड आहे आपली एबी इज इक्वल टू आपण काय सांगू शकतो ए एक्स प्लस एक्स बी. ठीक आहे, एबी ही टोटल साइड आहे तर त्याला आपण कसं लिहू शकतो ए एक्स प्लस बी एक्स. ठीक आहे, आणि ए एक्स ची व्हॅल्यू काय आहे मग आपली, ए एक्स म्हणजे आपला आहे आर. ठीक आहे, सो आर साइन ऑफ हा अँगल किती आपला बीटा बाय टू, सो आर साइन ऑफ बीटा बाय टू प्लस बी एक्स ची व्हॅल्यू सुद्धा किती आपली आर साइन ऑफ बीटा बाय टू. बी एक्स चा अँगल सुद्धा किती आपला बीटा बाय टू, त्यामुळे तो सुद्धा फॉर्म्युला काय लिहिता येईल आपल्याला आर साइन ऑफ बीटा बाय टू. या दोघांची ऍडिशन की गेली तर एबी ची व्हॅल्यू किती मिळेल आपल्याला टू आर साइन ऑफ बीटा बाय टू, कारण एबी इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू सीडी इज इक्वल टू टू आर साइन ऑफ बीटा बाय टू, ही व्हॅल्यू मिळणार आहे आपल्याला. कारण या तीन साइड सेम असते, एबी बीसी आणि सीडी इक्वल साइड आहेत या, त्यामुळे या तिन्हीची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली टू आर साइन ऑफ बीटा बाय टू. ठीक आहे, मग अरिथमॅटिक सम इज इक्वल टू या तीन साइड असल्यामुळे याला तीन न मल्टीप्लाय केलं थ्री इंटू टू आर साइन ऑफ बीटा बाय टू. इसको तीन से ये इक्वेशन से इक्वेशन को तीन से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये तीनों साइड इक्वल है अपने, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, यहाँ से यहाँ पे अपने तीन को मल्टीप्लाई किया. नाउ इफ देर आर यम स्लॉट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर यहाँ हमें यहाँ पे यम स्लॉट्स है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, देन द अरिथमेटिक सम पर फेज ऑफ द ईएमएफ इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, एम इंटू यहाँ पे तीन साइड के लिए थ्री लिखा था लेकिन हम यहाँ पे यम स्लॉट्स है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यहाँ पे यम लिखेंगे इंटू टू आर साइन ऑफ बीटा बाय टू. ये रहेगा आपकी अरिथमेटिक सम पर फेज ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर यम स्लॉट. नाउ वेक्टर सम अगर लेंगे हम तो वेक्टर सम कैसे लेंगे, देखो वेक्टर सम इज इक्वल टू एडी, एडी ये आपकी रिजल्टेंट साइड होगी, तो एडी इज इक्वल टू एई एई प्लस ईडी. ठीक है, एई यहाँ पे पॉइंट है तो एई प्लस ईडी करेंगे तब हमें ये टोटल साइड मिलेगी, मिलेगी यहाँ पे एडी. ठीक है, तो वेक्टर सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू एई इज इक्वल टू ईडी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, आर साइन ऑफ यम बीटा बाय टू, क्योंकि ये एंगल कितना है आपका यम बीटा बाय टू है, तो आर साइन ऑफ यम बीटा बाय टू एई का ये एंगल रहेगा. ठीक है, तो मैं एई इज इक्वल टू ईडी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिया है यहाँ पे आर साइन ऑफ यम बीटा बाय टू. सो वेक्टर सम इज सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू, यहाँ पे दो साइड है तो यहाँ उसके वजह से यहाँ पे टू आर इंटू साइन ऑफ यम बीटा बाय टू लिया. ठीक है, और अभी हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो डेफिनेशन लिखा था ऊपर उसमें ये वैल्यू पुट करने हैं दोनों. ठीक है, ये वैल्यू तो क्या मिलेगा इक्वेशन, टू आर वेक्टर सम कितना है अपना 2r sin of m beta by 2 divided by arithmetic sum कितना मिला है अपने को m into 2r sin of beta by 2. तो final equation क्या मिल जाएगा हमें distribution factor का sin of ये 2r 2r cancel हो जाएगा, so sin of m beta by 2 divided by m sin of beta by 2. clear है, तो ऐसे इस तरीके से भी आप distribution factor को यहाँ पे derive कर सकते हो. ठीक है, आपको जो इजी लगे डेरिवेशन उस डेरिवेशन को आप डिराइव कीजिए. तो इसमें कुछ डाउट है, ठीक है, देन नेक्स्ट फैक्टर है अपना फॉर्म फैक्टर. ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है अपना फॉर्म फैक्टर. फॉर्म फैक्टर क्या होता है आपको मालूम ही है. ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू. तो आरएमएस वैल्यू क्या है अपने यहाँ पे आर बाय रूट टू और एवरेज वैल्यू कितनी है टू बाय फाइव. So we have form factor is equal to RMS value divided by average value. So I divided by root 2 whole divided by 2i by 5. So ye isko solve karoge aap to form factor milega aapko 1.1 which is always fixed. Itni hi value aani chahiye aapki form factor. Hum jab example solve karenge tab aapko malum ho jayega ki yahan pe form factor kabhi bhi aapka 1.11 hi aana chahiye tabhi aapka answer correct hai. अगर फॉर्म फैक्टर इतना नहीं आता है तो आप समझ में आपको समझ में आना चाहिए कि कहीं तो भी आपके एग्जाम का गलत हो गया. ठीक है, ये है आपके तीन फैक्टर सामने आज पढ़े. ठीक है, एक पहला फैक्टर पढ़ा हमने पिच फैक्टर और कॉइल स्पैन फैक्टर, दूसरा पढ़ा हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और तीसरा फैक्टर पढ़ा हमने फॉर्म फैक्टर.
ये तीनों भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स, क्योंकि इसके ऊपर ही आपका ईएमएफ इक्वेशन डिपेंड होता है अल्टरनेटर में। ये आपको तीनों फैक्टर मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो ओके, इसमें कुछ डाउट है तीनों फैक्टर में, या आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है आपको, तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर अगेन, विल मीटिंग यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।